हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडिस अर्पिता एजुकेशन। इट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री रेड सेवन्थ स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है ये, जो कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। ये चैप्टर बहुत ही इजी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर समझ में आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। लेट स्टार्ट आर चैप्टर। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मीन्स हम लोग जैसे हिस्ट्री के, फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री क्यों लिखा जाता है, हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री मीन्स हमारा पास्ट के बारे में कुछ छोटा बहुत इंफॉर्मेशन, द एक्शन और एनी थिंग अबाउट अ पास्ट, इट इज़ नोन एज द हिस्ट्री। तो हमारा कैसे हमको पता चलता है कि हमारे हिस्ट्री को में क्या था, क्या सोर्सेस है जिससे हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो हम लोग जैसे जानते हैं तीन सोर्सेस होते हैं, एक मटेरियल सोर्स होता है, एक ओरल सोर्स होता है और एक रिटन सोर्स होता है। तो मटेरियल फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें इंडिविजुअल, सोसाइटी, प्लेस के बारे में पता हो, तभी हम लोग हिस्ट्री को अच्छे से जान सकते हैं। और उसके लिए एक ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ चाहिए कि हाँ भाई ये हिस्ट्री बहुत ही सच है। ये पूरा हम लोग को क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ता है, तभी हम लोग नेसेसरी कर सकते हैं कि हाँ ये स्टोरी हिस्ट्री सच है और ऑथेंटिक सोर्स से बना हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मटेरियल सोर्स होता है, उसमें बहुत सारी जैसे कि चीज़ें आ जाती है। मटेरियल सोर्स वो होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, और वो मटेरियल से हमको पास के बारे में बताता हो। जैसे कि होता है मेमोरियल्स हुआ, मेमोरियल्स बिल्डिंग्स, पहले के टाइम की बिल्डिंग्स से हमको पता चलता था कि क्या रहता था। कुछ राजा महाराजा अपनी फ़ोटोज़ ऐसा फ्रेम टाइप में बनाते थे, कॉपर प्लेट्स से पता चलता था, कॉइन्स से पहले राजा महाराजा अपनी फ़ोटोज़ बनाते थे, तो इससे हमको पता चलता था कि कौन सा एरा किस राजा का चल रहा है। और इंस्क्रिप्शंस होती हैं, उन सारी चीज़ों से हमको पता चलता है कि हाँ मतलब मटेरियल सोर्स से हिस्ट्री हमको जानी जा सकती है। और ये सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे हमको हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चल। आर्किटेक्चर्स होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, बिल्डिंग्स के स्टाइल्स होते कंस्ट्रक्शन के, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द सोर्स ऑफ अ मटेरियल सोर्स। जो कॉइन्स होते हैं देखो, उसमें यही बता रहा है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स जो रहते थे, वो लोग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर्स के कॉइन्स बनाते थे और उस पर अपनी फ़ोटो बनवाते थे, जिससे हमें पता चलता। तो कुछ लोग रूलर्स उस पीरियड के हिसाब से गवर्नमेंट, रिलीजियस या फिर अलग अलग आइडियाज़ से फ़ोटो हमको बताता था, जिससे हमको पता चलता था। जैसे कि हम लोग को, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, जैसे कि कुछ ऐसे राजा महाराजा थे, अकबर, शिवा, अकबर ने शिव और पार्वती का ये मतलब फ़ोटो बनवाया था कॉइन्स पे, तो इससे हमारा मतलब रिलीजियस और कल्चर बहुत ज़्यादा फैला, लोगों के प्रति उनके मन में श्रद्धा आई। फिर उसके बाद कॉइन्स होते थे, अलग अलग लैंग्वेज लिखे रहते थे, तो हमको पता चलता था। जैसे पेशवा पीरियड में तंजवीर ने मतलब पेशवा का बनाया था, पेशवा लैंग्वेज में बहुत सारी अलग अलग कॉइन्स बने। रिटन सोर्स भी था, जिसमें हम लोग को रिटन डॉक्यूमेंट मिलता था, करेस्पॉन्डिंग डिस्पैचेस रहते थे, शक्रावधि थी, ऑटोबायोग्राफीज लिखी रहती थी, डॉक्यूमेंट्स रहते थे, उसमें हमको पता चलता था। मोदी स्क्रिप्ट क्या होता है, जो कि मोदी स्क्रिप्ट मीन्स मराठी लैंग्वेज का होता है, पर्सियन लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेजेस में स्क्रिप्ट लिखी रहती थी, बायोग्राफीज रहती थी, पेंटिंग्स रहती थी, तो वो हमारा क्या हो जाता था, रिटन सोर्स। और हमारा जैसे कि उस टाइम पे ट्रेवलर्स वगैरह रहते थे, वो लोग भी अलग अलग लैंग्वेज लिखते थे और आते थे बायोग्राफीज लोगों के लिखने के लिए, उनको क्यूरियसिटी रहती थी हमारे इंडिया के बारे में जानने की। ओरल सोर्सेस था, जिसमें हम लोग को क्या मिलता था, फोक सॉन्ग्स था, गाथा था, मैथेसिस थे, प्रोवर्ब्स थे, पोवाड़ास था, तो ये अलग अलग टाइप्स का सॉन्ग्स होता था, जिससे हमारा ओ जनरेशन टू जनरेशन बातें फैलती थी, तो उसको बोलते थे ओरल सोर्स। तो ओरल सोर्सेस में जैसे ओवीज था, फोक टेल्स था, ये सारी चीज़ें हमारा हो गया। और जिसमें हिस्ट्री रिटन मतलब हमको पता चलता था ये सारी चीज़ें से, ये और ऊपर से हमको ओरली हमको ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, जैसे गानों के तौर पे, इन सारी चीज़ों से। आई होप आप लोगों को समझ में आए, मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।